भारत और चीन के बीच जिन राज्यों की सीमा को लेकर डिस्प्यूट बना हुआ है उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और कब से ये डिस्प्यूट बना हुआ है ये भी जानेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो जिन राज्यों की सीमाएँ चीन के साथ लगती हैं वो चार हैं, इसमें जैसे कि अभी जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गई है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन चार राज्यों के साथ एक यूनियन टेरिटरी की सीमा लगती है। अब डिस्प्यूट ये बना हुआ है कि ये जो एरिया है जो भारत के राज्य का एरिया सटा हुआ है चीन के साथ, हमेशा ही इनके बीच डिस्प्यूट बना हुआ है किसी न किसी बात को लेकर। रिसेंटली आप लोगों ने देखा भी होगा जो कि 5 मई से नकुला पास पर जो स्टैंड ऑफ और फेस ऑफ हुआ था भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में। अब ये डिस्प्यूटेड एरिया है कहाँ पर, इसको हम अच्छे से मैप में देख लेते हैं। तो ये डिस्प्यूट एरिया मैप में अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो ये रेड एरिया मार्क किया गया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, इसको जैसे कि मैप में दिखाया गया है ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न सेक्टर में बांटा गया है। ईस्टर्न सेक्टर वाला जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है जिसमें ये तवांग डायनेस्टी मोनेस्टी वाला एरिया जो आता है ये डिस्प्यूटेड एरिया बना हुआ है। और यहाँ पर सिक्किम में भी अभी आप लोगों को पता होगा जो ये नकुला पास पर डिस्प्यूट हुआ था ये एरिया, और सेंट्रल में यहाँ पर जो आप लोगों को पता है जो ये पेंगोंग लेक वाला एरिया है ये सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है, क्योंकि बाकी तो लैंड पर जो एरिया है उसको तो चलो ठीक है डिमार्केट कर सकते हैं, डिलेनिएट कर सकते हैं, बट ये जो यहाँ पर एरिया है पेंगोंग लेक वाला और इसके बाद सबसे ऊपर वेस्टर्न सेक्टर में बात करें तो जिसको सीओके, अक्साई चीन या चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है, तो ये भी डिस्प्यूट एरिया बने हुए हैं। अब सबसे पहले अक्साई चीन की हिस्ट्री से शुरू करते हैं। ये सबसे पहले 1840 में एरिया महाराजा गुलाब सिंह जो जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा थे उसने एक ट्रीटी की थी तिब्बत के साथ युद्ध लड़के, तो एरिया वहाँ पे निर्धारित कर दिया था। और 1846 में ब्रिटिश ने महाराजा गुलाब सिंह को हरा करके अगेन फिर वहाँ पर पेंगोंग लेक तक की बाउंड्री बना दी, और 1897 में सर जॉन ने वहाँ पर कराकोरम पास तक इंडिया की बाउंड्री निर्धारित कर दी। और जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके आज़ादी के बाद में जब ये कराकोरम पास जो कि क्राकस रिवर्स के फ्लैट मैदानों तक भी जाता है वहाँ तक की बाउंड्रियों को निर्धारित किया गया जो कि ब्रिटिश ने पहले ही करके दिया था। अब जो डिस्प्यूट बनता है 1950 में चाइना ने जो कि अक्साई चीन जिनजियांग प्रांत में जो कि चीन बोलता है कि जिनजियांग प्रांत में आता है वहाँ से तिब्बत तक रोड बनाना शुरू किया और इंडिया के अंदर 180 किलोमीटर के अंदर से रोड लेके गया, तो वहाँ पर ये डिस्प्यूट शुरू हुआ और जिसके कारण 1962 का युद्ध लड़ा गया। अब आगे एरिया जो कि मैकमोहन लाइन बोली जाती है जो कि अरुणाचल प्रदेश की साइड में है उसकी बात कर लेते हैं। 1914 में तिब्बत रीजन और जो चाइना के अंडर में ही आता है तिब्बत रीजन, तो ब्रिटिश ने ऐसे ही चलता रहा और उन्होंने बाउंड्रियां निर्धारित कर दी, हालांकि वो बाउंड्रियां वहाँ पे क्लियरली डिलेनिएट नहीं किया गया और चाइना इस बात से एग्री करता है कि यहाँ पर बाउंड्रियाँ हैं, बट वो अगर इस संधि को मान ले कि जो इंडिया अपनी बाउंड्री को बोलता है उसके तहत तो उसको अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया छोड़ना पड़ेगा जो कि चाइना अपना एरिया मानता है, और इसके साथ ही सिक्किम में भी जो कि नकुला पास के पास एरिया है वो भी छोड़ना पड़ेगा। और इंडिया ने हमेशा ही बोला है 2008 से 2013 के बीच में कि द्विपक्षीय वार्ता के तहत इसको बैठकर शांति से सोल्व कर लिया जाए, बट चाइना इसको सोल्व करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ा जो कि एक कारण बना हुआ है वो पेंगोंग लेक वाला एरिया बना हुआ है, क्योंकि ज़मीन पर तो क्लियरली दिख जाता है और मार्क भी की जा सकती है, बट पेंगोंग लेक वाला एरिया है वो मार्क करना बहुत ही मुश्किल होगा। आई थिंक मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूँ ये जो जितने भी डिस्प्यूटेड एरिया इंडिया और चाइना के बीच थे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में लिखकर बताइए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।